कुणी मूवी बघायला चाललो आणि झोपते आयुष्यात झोपाच खावा सुरू असा मा दिसायचंय ना थांब काळ म्हणजे तू उजेडत आता दिसणार अंकिता काय का लाईट बसली बहुत दिनों से मन कर रहा था ड्राइव इन थिएटर के व्लॉग्स और रील्स देख के यहाँ जाने का. यहाँ देख के कितना मस्त लग रहा है ना आपको, लेकिन असली मजा बाद में. तो हम गए थे 10th of December 2021 साढ़े दस का शो था. चंडीगढ़ करे आशिकी जो आयुष्मान खुराना की मूवी है वो देखने का हमारा प्लान था. और यहाँ पे आने के बाद पहले तो ये लोग ऐसे कार का चेकिंग करते और आपको अंदर छोड़ते, लेकिन बहुत सही लग रहा था. हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे थे पहली बार वो भी. तो ये जो ड्राइव इन थिएटर है ये 5th फ्लोर पे है, तो यहाँ से आपको रिंगा रिंगा रोजी करके ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर जाना पड़ता है. तो 1st फ्लोर पे आने के बाद वो लोग आपको एक लाइन में मतलब क्यू बना के रखते हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती ना, तो एक एक लाइन को वो क्लियर करते जाते हैं. तो ये सब वेटिंग है, सब लोग वेट कर रहे हैं. उनका नंबर जब आएगा तो एक एक गाड़ी आगे जाएगी. तो ये ऐसे एक एक गाड़ियाँ निकलती है. सब यहाँ तक सब सिस्टमेटिक है, एवरीथिंग इज़ लाइक प्रॉपर. बहुत मस्त लग रहा था कि अब जाके कुछ भारी एकदम काय बोलूँ था जाओ दे. सूरज कशाक मधी मधी येत नजर ना लगे इसके लिए. अरे हाँ तू काळा टिक्का आहे, काळा टिक्का आहे तुझ्या आठी, नजर नाही लागत, नाकात लागली आहे. किती वेळ थांबायचं इथे शक्यच नाही, ते बघ त्या साईडला सोडला तर तो प्रत्येक ह्यांना सोडणार. अब हम जा रहे डायरेक्टली 5th फ्लोर पे. तो ये 5th फ्लोर पे ऐसे एरो दिखाया हुआ है ड्राइव इन का, तो वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड देयर. तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर दिया रहता है, हमारे लिए हमारी जो रो है वो ई है. तो आपको आगे शायद स्क्रीन के सामने SUVs के लिए और पार्किंग है, और उसके बाद पीछे सेडान के लिए. तो हमें जो नंबर हमने जो बुक की थी जगह वो है E14 समथिंग. तो अभी लाइन से जहाँ जहाँ आपको रुकना है वहाँ आप जा सकते हो. तो ये जो लोग जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ी घुमा के मतलब डिक्की का साइड स्क्रीन की तरफ फेस करके लगा रहे थे, ताकि उनका ऐसे मानना था कि डिक्की खोल के हम बैठ के एकदम मूवी एंजॉय करेंगे. लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जाके नॉर्मली गाड़ी जैसे नॉर्मल पार्क करते वैसे पार्क की थी. जो हमने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से अगर आप नॉर्मल भी गाड़ी लगाओ या डिक्की खोल के लगाओ, सुनना तो आपको वैसे भी नहीं है. सिर्फ दो लोग जाते हो और आगे के लाइन में हो तो ही आप मूवी एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं है. वहाँ पे एक आंटी तो झगड़ रही थी, मेरी BMW पीछे क्यों लगाई है, मेरी BMW को आगे क्यों नहीं लगाया. तो फुल ऑन फालतू एक्सपीरियंस रहा है हमारा. यहाँ पे पीछे फूड कोर्ट्स है जहाँ आप जाके फूड ऑर्डर कर सकते हो, और ऑब्वियसली PVR का है तो महंगा ही है. घूमने के लिए एकदम रूफ टॉप पे एम्बियंस बहुत सही है.
तो हम वेट कर रहे थे कि मूवी चालू हो जाएगी, तो पहले साउंड नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि यार मूवी चालू हो जाएगी ना उसके बाद ये लोग साउंड ऑन करेंगे। और यू कैन कनेक्ट विद 88.5 फ्रिक्वेंसी, जिसमें आप कार में बैठ के वो फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करके भी आप देख सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक एक ही है कि जितने भी लोग यहाँ पे जा रहे थे, ये कॉर्नर में उन्होंने एक एरिया दिया है जहाँ पे लिखा है एंजॉय द पीवीआर एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे स्पीकर भी नहीं है, यहाँ पे कुछ सुनाई भी नहीं देता, बस क्या पता क्या एक्सपीरियंस करना है वहाँ बैठ के। तो जो कार की जो फ्रिक्वेंसी दी है उसके लिए अगर आप एसी ऑन नहीं करते हो, नॉर्मल कार चालू रख के अगर आप फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करते हो, तो ऐसे बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे तो किसी का साउंड आगे पीछे हो रहा था इसलिए वो मैच नहीं हो पा रहा था। तो ऑप्शन नहीं था कि बस एसी ऑन करना है, ग्लासेस ऊपर रखने, दरवाज़ा पूरा बंद करके देखना है, लेकिन इसमें दो ही लोग आगे से देख सकते हैं, बाकी के लोगों का क्या। बट गाड़ी को ऑन रखना पड़ेगा ना इतना टाइम तक, पेट्रोल नहीं रहेगा इसी वजह से सब बंद है। अपना बंद करो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं क्या कोणी पैसे वेस्ट नाही केले इकडे ये काम रिकॉर्ड करू नको आणि आला तर फालतू मध्ये सुनू दे, काय फालतू आहे तो हमने बहुत ट्राई किया। फिर मैंने कॉर्नर में एक स्पीकर था, उस स्पीकर के पास, क्योंकि बाकी के दो स्पीकर थे वहाँ पे साउंड मैच नहीं हो रही थी, तो एक मैंने कॉर्नर वाला एक स्पीकर देखा, उसके साइड में जाके मैं लॉन में बैठ गई थी। तो वहाँ से जो लोग अपनी गाड़ी का एसी चालू कर रहे थे उनकी इंजन की आवाज़ की वजह से और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तो फ़ोन के रिकॉर्डिंग में शायद आपको साउंड ज़्यादा सुनाई दे, लेकिन साउंड का बहुत ज़्यादा इशू है। कसा वाटला है? एब्सोल्युटली पथेटिक, पूरा घाणेरडा एक्सपीरियंस आई थे, कोणी येऊ नका, मी स्वतः व्लॉग्स बघून लोकांचे आले होते की खूप छान असेल आणि काय असेल, बकवास साऊंड सिस्टीम, पैसा वेस्ट, बर्बाद। कपलसाठी बरा, कपलसाठीच फक्त बरं आहे, पण तरी सुद्धा बरं होतं। त्याने ऍक्च्युली ना दोन स्क्रीन लावल्या पाहिजे होत्या ना, दोन स्क्रीन असते तर पाठी जे बसलेत ते सुद्धा बघू शकले असते ना। साउंड सिस्टम वैसे भी अच्छा नहीं है, वो 88.5 पे जो सुनाई दे रहा है ना, साइड में अगर स्क्रीन होती है तो पीछे वाले भी देख सकते हैं लोग क्या इधर क्या। एक मैंने ब्लॉग देखता है, ओह गाइस वी एंजॉय दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज लाइक कोजी एंड ऑल, का काही नाही आहे इथे, बकवास। माझं पहिला अर्धा तास डोकं फिरलं होतं, काय सुचत नव्हतं मला, माहिती हे जे दोन स्पीकर ठेवले ह्याच्यात एक वाजता आणि ह्याच्यात एक वाजता, काही सिंकच होत नाही आहे ते काही, आणि त्याच्यात एक काय दुसरंच वाजवतंय, तिसरं काय वेगळंच वाजवतंय, कोणाचं काय। लोक ते नाचा होती गाणी लावायचं सोड, लोक अशी खात आहेत ना जसं कधी खाल्लेत ना, पिज्जे भाय पिज्जे खात, देखो किसीने कितना खाया है, खाने के लिए आए थे, देखो कितना खाते है, बघता फक्त खाओ के लिए, काय ऐकलं आणि काय माहिती, घर पे रोटी सब्जी रखा है, बकवास सगळं काय। कशाला व्लॉग बनवतं चांगले सांगा, खराब आहे तर खराब, लोकांना खरं सांगायचं जवान द्या पर कार आपको 2000 कॉस्ट है, अगर नॉर्मल दिनों में चाहते हो तो शायद 1500 है, पता नहीं, बट ये जो भी है पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल भी मत जाना। साउंड क्वालिटी एकदम बेकार है जो कि मैंने वीडियो में दिखाई है, और आणि काय सूरज सांगायचं होतं, फक्त खाऊचेच पैसे असतात, बस खाना खाना है आपको, और आपको फोटोज खींचने हैं और ऐसे टाइम पास करना है तो जाना है, तो और ये जो कार का जो प्राइस है, अगर आपकी 5 सीटर कार है तो उसके लिए 2000 है, 7 सीटर है, 8 सीटर है, जो भी सीटर है, पूरे कार का जो है वो टिकट प्राइस है, तो 2000 कार का प्राइस, इसका मतलब कार की जो सिटिंग कैपेसिटी है उतने लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है जाके, दो लोग जाओ, कपल जाना है तो जाओ, तो एंजॉय शायद कर सकते हो कार में बैठ के 88.5 पे वो सुन के, अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी, बट एक्सपीरियंस करना है तो एक बार ऐसे ही जाके आ जाओ, दैट्स इट। फिर भी अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये साइड में जो सिंगल स्पीकर है उसके पास जाके बैठ जाना, तो इसकी आवाज जो आपके कान में जाएगी ना, तो शायद आप मूवी एंजॉय कर सकते हो थोड़ी बहुत। और मूवी चालू होने के बाद पहले 10 मिनट तो हर कोई वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसमें कोई 98.3 बजाता है, कोई और बजाता है, हर
जो FM के स्टेशन है वो सारे बजते रहते हैं, तो 10-15 मिनट की मूवी वेस्ट हो जाएगी, ये दिमाग में रख के ही वहाँ पे जाना। तो हमने हमारा पैसा वेस्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि बहुत जल्दी व्लॉग डालो, हमें वहाँ जाने के प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो ये व्लॉग देख के सोच समझ के पैसे खर्च करना और वहाँ पे जाना। शायद ऐसा व्लॉग किसी और ने डाला होता तो मेरे भी पैसे बच जाते, आप लोगों के पैसे बचे, बस उसी में मेरी खुशी है। बाय बाय।